हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम एलिना मिशेल एंड टुडे आई एम हियर. आज मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम एक आई लेंस को वेयर करने वाली हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, बिकॉज आई एम टू लाइक यू नो, अगर आप लेंस थोड़ा भी आई के पास अपनी फिंगर्स वगैरह लेके जाओ सो इट्स लाइक ओ माई गॉड. या फिर अगर आँख में थोड़ा भी कुछ कचरा चला जाए या कुछ भी चला जाए सो इट्स सो पेनफुल. सो आई एम लाइक नर्वस एंड एक्साइटेड बोथ क्योंकि मुझे नहीं पता है ये एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है. सो आज मैं अपना एक फर्स्ट टाइम आई लेंस वीडियो शूट कर रही हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो गाइज, आई ऑर्डर्ड एक इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने एक लेंस को ऑर्डर किया था. आई वॉज सो कन्फ्यूज बिटवीन द फ्रेश लेंस या ओल्ड लेंस कौन सा ट्राई करना है, बट दे वर रियली एक्सपेंसिव. ऑल दो ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, बट मुझे जो परफेक्ट एक शेड चाहिए था आई लेंस में वो मुझे इस ब्रांड में मिला. सो आई थॉट कि एक स्टार्टर ही है, सो आई एम अ स्टार्टर बिगनर, तो एक बार हम देख लेते हैं. मुझे उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले थे, मैंने काफ़ी लोगों को ये वेयर करते हुए देखा था. आप कोई भी आई लेंस को जो है एक पीरियड के लिए या एक ड्यूरेशन के लिए ही तक ही उसको वेयर कर सकते हो. सो बाकी सारी जगहों पर वो लेंस की ड्यूरेशन काफ़ी कम थी, बट यहाँ पर मुझे अच्छी लॉन्ग लास्टिंग लेंस की ड्यूरेशन मिली. सो आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई. और उसका जो शेड था दैट वॉज सो परफेक्ट, जैसे मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसे ही. सो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर जो कि है माई लेंस, एंड दे वर सो गुड, दे वर सो क्विक एंड रियली नाइस सर्विस. मुझे उनकी सर्विस लिटरली बहुत अच्छी लगी. मैंने उनको ऑर्डर दिया ऑन द इंस्टाग्राम स्टोर एंड दे क्विकली रिप्लाइड टू मी, और उनने बहुत जल्दी ही मुझे लेंस भेज भी दिया. विद इन 5 days आई गॉट द लेंस, एंड आई थिंक 4 to 5 days में मुझे लेंस डिलीवर हो गया था. सो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम माई लेंस, दिस इज़ अ इंस्टाग्राम स्टोर, और ये मुझे पैकेजिंग मिली है जिसमें कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स है एंड यहाँ पर उन्होंने अपना कस्टमाइज करके स्टिकर लगाया हुआ है विच इज़ रियली नाइस. मुझे ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे लगते हैं. और जब हम इसको खोलें तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिलती हैं बॉक्स के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट अ वेरी प्रिटी बैग, लाइक इट्स अ पर्स टाइप. ये इस तरीके का एक हमको बहुत प्रिटी सा पर्स टाइप मिलता है, एंड देन वी गेट अ नोट हियर. सो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका इस तरीके का जो पैकेजिंग थी. सो यहाँ पर इस लेंस जो नोट है उसमें आपको थैंक यू नोट है, एक इस तरफ थैंक यू नोट है, और पीछे की तरफ आपको पूरा डिटेल्स मिलता है कि कैसे आपको अप्लाई करना है लेंस को, और लेंस को किस तरीके से हमको स्टोर करना है, कैसे आपको उसको रिमूव करना है, सारे सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. सो आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम अच्छे से. सो आई एम रेडी विद द इंस्ट्रक्शंस एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट. तो सबसे पहला उन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया था दैट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. सो आई हैव जस्ट वॉश्ड माई हैंड्स विद द सोप, और अभी बिल्कुल क्लीन है. और यहाँ पर है मेरा ये पर्स जिसमें कि लेंस आया हुआ है. सो व्हेन आई ओपन इट, एक तो मुझे इसका ये जो होलोग्राफिक अपीयरेंस आ रहा है इट्स रियली ब्यूटीफुल. सो यहाँ आपको इस तरीके के दो ब्लिस्टर्स मिलते हैं जिसमें कि आपको लेंस मिलेगा, लेंस इसके अंदर आता है, एंड यहाँ पर आपको पीछे इसका ओपनर मिलेगा. तो यू हैव टू जस्ट पील इट लाइक दिस, और आपको इसके अंदर लेंस और सॉल्यूशन में लेंस सबमर्ज्ड मिलेगा. सो ये बहुत अच्छी पैकेजिंग है, काफ़ी थिक पैकेजिंग है, सील्ड है, काफ़ी अच्छा इसका मुझे क्वालिटी भी लगी. यहाँ पर आपको पीछे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो भी ड्यूरेशन है, अभी शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं इसकी फ़ोटो आप लोगों के मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी. सो यहाँ पर आपको अच्छे से सारा डायमीटर, एक्सपायरी, शेड सब कुछ मिल जाता है. रिप्लेसमेंट ड्यूरेशन जो रहती है कि हम कितने दिन इसको पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से लिखी हुई हैं. सो दिस इज़ वन कलर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस इन बफ्ड सलाइन मटीरियल, मतलब ये इसके अंदर बफ्ड सलाइन मटीरियल रहता है, उसके अंदर लेंस अच्छे से सबमर्ज रहता है. यहाँ पर आपको एक एप्लीकेटर भी मिलता है इस तरीके से, जिसकी ये डुअल एंडेड है. इसमें यहाँ पर आप अपना लेंस होल्ड करते हैं लगाने के लिए, और यहाँ पर आप आई थिंक इससे लेंस पिक करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में से, बिकॉज यू कैन नॉट पिक इट विद योर हैंड फिंगर्स, या फिर क्योंकि वो डैमेज हो सकता है. सो यहाँ से मैं इसको पिक करती हूँ. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ फॉर, बट ये मुझे लगता है कि उसी चीज़ के लिए है, बट दिस इज फॉर एप्लीकेशन. नाउ अनदर थिंग विच वी गेट इन दिस ब्यूटिफुल पर्स इज दिस.
दिस इज अ लेंस कंटेनर और बहुत प्यारा एक पेस्टल कलर का आपको यहाँ पे कंटेनर मिलता है. बहुत ही प्रिटी सा है ये. इसके अंदर आप लेंस को स्टोर करते हो. सो यू हैव टू फर्स्ट पोर द लेंस सॉल्यूशन. उसके बाद आप लेंस को इसमें सबमर्ज करके रखते हो एंड यू हैव टू चेंज इट एवरी वीक या फिर ट्वाइस थ्राइस, मतलब 2-3 दिन के बाद भी आप कर सकते हो. बट इट्स ऑल अप टू यू. आपको अपना लेंस को जितना अच्छा केयर देना है इट डिपेंड्स ऑन दैट. मुझे बहुत डर लग रहा है. ओके लेट्स सी. जस्ट डोंट पैनिक क्योंकि मैं बहुत लंबा टाइम लेने वाली हूँ. ये मेरा फर्स्ट टाइम है सो इट्स रियली गोना बी वियर्ड. एंड ठीक है, जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस आने वाले हैं जस्ट कोऑपरेट विथ मी. मुझे ज़्यादा मजाक मत उड़ाना मेरा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है एंड आई एम वेयरिंग लेंस. मेरा कहीं ध्यान नहीं रहने वाला है. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द लेंस पहनने की प्रोसेस. जो भी है लेट्स स्टार्ट. सो नाउ आई विल बी जस्ट डिपिंग दिस इन और इस तरीके से मैं लेंस को रिमूव करती हूँ. कैन यू सी, ये मेरा लेंस बाहर आ गया है. सो नाउ मैंने इसमें पढ़ा था कि आपको ये भी देखना है कि क्या आपका लेंस सीधा है या उल्टा है. सो उसमें आपको देखना है कि अगर वो उसकी एजेस बाहर निकल जाती हैं, मतलब कि आपका लेंस उल्टा है, और अगर उसकी बिल्कुल बाउल की तरह उसकी एजेस आती हैं शार्प ऊपर, तो फिर आपका लेंस सीधा है. सो लेट्स सी कि लेंस हमारा सीधा है या नहीं. सो दिस इज़ द लेंस. ये कम्प्लीटली मुझे सही लग रहा है. कहीं से भी लाइक उसकी एजेस मुझे बिल्कुल क्लियरली दिख रही हैं. सो आई विल बी जस्ट डूइंग दिस एंड दिस. और मैं अपने वाइट पोर्शन पे लेंस को रखने की कोशिश करती हूँ. अरे यार, लेट्स स्टार्ट विद दिस आई क्योंकि मुझे इसको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल. इतनी जल्दी, वाओ. वेट इट्स सो कंफर्टेबल. मुझे बिल्कुल बिल्कुल ऑड नहीं लग रहा है अभी. वाओ नाइस. ऑल्दो माई आईज आर रेड, क्वाइट रेड नाउ. Wow, it is looking beautiful, beautiful. I am in love with it. See? Now we'll be applying it here. So again with the same process, I'm just gonna stretch it white wale portion pe rakkar eyeball ko is taraf move karna hai. Okay? I'm getting pro. मुझे लग रहा था शायद से मैंने इसको उल्टा प्लेस कर दिया है. सो अब मैंने इसको फिर से चेंज करा है एंड नाउ लेट्स सी. Oh my god, so I'm really really happy. They're looking so beautiful on me. And you see, kitna pretty shade hai ye. I am in love with it. Aur mera first experience to bahut acha raha because ye itne soft and comfortable hai. Jab main laga rahi thi usko, us time sirf us time hi mujhe thoda sa aankh mein stiff sa lag raha tha, ajeeb sa lag raha tha, bas thodi si teary eyes ho rahi thi. But after that, can you see kitna zyada meri eyes ab normal ho gayi hai kyunki they are very soft and comfortable. My lens jo brand hai
थम्स अप टू यू गाइज बिकॉज यू आर डूइंग रियली गुड. दिस इज बाय द वे नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद ने खरीदे अपने पैसों से. सो दिस वॉज रियली नाइस एंड आई लव्ड इट. बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इन लेंसेज के साथ. एंड स्पेशली अगर आपका फर्स्ट टाइम है ना, सो जस्ट गो ऑन विद अ गुड ब्रांड, क्योंकि अगर आप अच्छी ब्रांड के लेंस नहीं यूज करते हैं सो आपकी आईज में बहुत हार्ड फीलिंग आएगी. दीज आर सुपर कंफर्टेबल, सुपर ईजी टू वेयर. आपको लग रहा है क्या ये मेरा फर्स्ट टाइम था? मुझे खुद को फील नहीं हो रहा कि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने वेयर करे लेंसेज. बस उस टेक्निक से गई हूँ जिसमें कि आपको यहाँ पर आई बॉल को अपनी जो ब्लैक पोर्शन रहता है उसको इस तरफ करना है, ऑपोजिट साइड करना है. और जब आप ऑपोजिट साइड करते हो तो आपको वाइट एरिया के ऊपर अपना लेंस को लगाना है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेटर. एप्लीकेटर से गाइस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, जब आप हाथ से करते हो ना सो इट्स वे मोर डिफिकल्ट मेरे लिए. सो दैट्स ऑल गाइज, दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम ट्राइंग द कॉन्टैक्ट लेंसेज. एंड दिस इज अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस. आई एम इन लव विद दिस दीज लेंसेज. यू ऑल कैन गो एंड ट्राई देम आउट. एंड दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आई विल बी बैक विद सम अदर गुड कंटेंट्स. टिल देन बाय एंड आई लव यू ऑल सो 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 मच.